आज हम लोग बनाने वाले हैं राजस्थान की एक बहुत ही स्पेशल और फेमस डिश जिसको दाल बाटी कहा जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बाटी कैसे बनाना है और दाल कैसे बनानी है उसके साथ में वो दिखाने वाली हूँ। ये जो सब्जी है ना, ये इसकी रेसिपी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड होगी। आइए देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए होगा। दाल के लिए मैंने चने की दाल, हरी मूंग की दाल और मसूर की दाल ली है। एक कटोरी सूजी ली है छोटी, और साथ में अजवाइन, हल्दी, नमक और एक दो पिंच के करीब सोडा है। अब हम क्या करेंगे ना, ये जो सूजी है ना, इसको 10 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगोकर उसे फुला लेना है। देखिए गर्म पानी में इसमें डाल रही हूँ। जिस बर्तन में आप आटा गूंदेंगे ना, उसी बर्तन में सूजी डाल के उस पर गर्म पानी डाल दीजिए। तब तक हम लोग दाल बना लेते हैं। दाल को मैंने अच्छी तरह से 2 से 3 बार धोकर भिगो लिया था आधे घंटे के लिए। अब इसमें मैंने बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाली है, हल्दी और नमक डाल दिया है साथ में। अब हम क्या करेंगे ना, इसमें जितना इसके दाल बनाने के लिए पानी चाहिए होता है ना, उतना ही पानी डालकर इसे हम लोग 5 से 6 सीटी के करीब बॉईल कर लेंगे। वो सोडा जो मैंने आपको शुरू में बताया था ना बाटी के लिए, वो बेकिंग सोडा है। 2 पिंच से ज़्यादा नहीं लेना उसको। आप देख सकते हो सूजी हमारी अच्छी तरह से फूल चुकी है, इसने पानी अच्छा एब्जॉर्ब कर लिया है। अब हम इसमें ना गेहूँ का आटा डालेंगे। आप देख सकते हो ये जो मैंने चम्मच यूज़ कर रही हूँ ना, इसको मैं 3 चम्मच के करीब इसमें डालूंगी। इससे ना मेरी 16 बाटियाँ बनके तैयार हो जाएगी। आप उस प्रोपोर्शन में लेकर वेरी कर सकते हो। अब ये जो हमने अजवाइन, हल्दी, नमक और सोडा लिया था ना, ये सारा हम आटे में डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और आटे को अच्छी तरह से गूंद लेंगे। नॉर्मल आटा आपको गूंदना है, जैसे आप लोग रोटी के लिए गूंदते हो बस वैसे ही बिल्कुल गूंदना है। रेडी हो चुका है, आप देख सकते हो बिल्कुल रोटी की तरह मैंने लगाया है आटे को, ऐसे कोई अलग नहीं किया है, बस रोटी की तरह आटा लगा लिया है। बाटी बनाने के लिए सबसे पहले हमें ना एक पैन में ना पानी गर्म करने के लिए रखना होगा। पानी के बॉईल होते ही हम इसमें ये बाटी की लोइयां डालेंगे। तो लोइयां बनाने के लिए आप देख सकते हो कि जिस तरह से मैं बना रही हूँ ना, बिल्कुल वैसे ही करना है। हम लोग जैसे रोटी के लिए छोटी लोई बनाते हैं ना, तो बाटी के लिए हम लोग को थोड़ी लोई बड़ी बनानी है। देखिए इतनी मोटी आपको लोई रखनी है। पानी अब गर्म हो चुका है तो मैं इसमें ये आटे की लोइयां डाल रही हूँ। इसको अच्छी तरह से बॉईल होने देना है। भाई अब हम लोग दाल को देख लेते हैं। तब तक दाल देख सकते हो आप अच्छी तरह से सिज गई है। अब हम इसे ना दाल घोटने से अच्छी तरह से घोट लेंगे। अच्छी तरह से मतलब दाल को स्मैश कर लेना है। देखिए सेम इसी तरह से आपको करना है। नॉर्मल दाल जैसे बनाते हो बिल्कुल वैसे ही बनानी है। तब तक आप देख सकते हो हमारी बाटियां भी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। जब इस पे दाने दाने आने लगी है ना, तब समझ लेना कि ये उबल गई है अच्छी तरह से। तो देखिए इस पे दाने दाने आ रहे थे तो मैंने इसे निकाल दिया है। बॉईल करते ही ना हम लोग इसको फ्राई करने के लिए तैयार कर देंगे। देखिए एक लोई से 4 टुकड़े कट करने हैं, और देखिए बिल्कुल इस तरह से कितने अच्छी तरह से बॉईल हुई है हमारी बाटी। तेल देखिए मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। अब हम क्या करेंगे ना, देखिए इस तरह से टेस्ट करना है। अगर ऊपर आ जाता है तुरंत टुकड़ा ना, तो फिर अब तेल गर्म हो चुका है। हम इसे ना बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करेंगे, हम इसे मीडियम हाई फ्लेम पे करेंगे। क्योंकि ज़्यादा अगर आपने आँच तेज़ रखी ना, तो उससे क्या होगा, बाटियाँ बाहर से तो कलर पकड़ लेगी बट अंदर से आपको कच्ची कच्ची सी लगेगी। तो आप इसे धीमी आँच पे या फिर मीडियम हाई फ्लेम पर ही फ्राई करें। बाटी का कलर कितनी अच्छी तरह से चेंज हो गया है। मैंने कम से कम इसे 7 से 10 मिनट के करीब इसे मैंने फ्राई किया था मीडियम हाई फ्लेम पर। आप इसे उसी तरह से उल्टा पलटा के फ्राई करें। बाकी सारी बाटी भी इसी तरह से फ्राई करनी है। तो तब तक आइए हम लोग है ना को तड़का लगा लेते हैं। उसके लिए मैंने एक छोटी कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है, उसमें मैंने जीरा डाल दिया है। अब मैं इसमें हरी मिर्च डाल रही हूँ बारीक कटी हुई। इसमें मैं अब डालने वाली हूँ लहसुन को, मैंने अच्छी तरह से कूट लिया है, वो मैंने डाल दिया है इसके अंदर, आप देख सकते हो।
लहसुन को अच्छी तरह से मिला लेने के बाद हम लोग इसमें प्याज डालने वाले हैं। देखिए, मैंने एकदम बारीक कटा हुआ प्याज डाला है। इसमें प्याज का थोड़ा सा कलर चेंज होने देना है। मैं इसमें 1/4 चम्मच हींग डाल रही हूँ। हींग डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है और बहुत अच्छा टेस्ट भी देता है। हींग डाल के अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसमें सारे मसाले डालने हैं। मसालों में हल्दी लिया है मैंने, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर। बस इतना ही मसाला डालना है और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। अब देखिए, तड़का रेडी हो चुका है। अब देखिए, सेम इस तरह से आपको दाल में डाल देना है और अच्छी तरह से मिला के कुकर का ढक्कन बंद कर लेना है। हो गई हमारी दाल तैयार। दाल और बाटी बनके तैयार हो चुकी है। ये सब्जी की जो रेसिपी है ना, मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी, तो जल्दी से जाइए, ट्राई कीजिए और इन्जॉय कीजिए। और मेरी रेसिपीज पसंद आती हो तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।